बिहार की राजनीति में इस समय भूचाल आया हुआ है। यह सब कुछ देखकर मुझे कुछ साल पहले की उत्तर प्रदेश की राजनीति याद आ रही है। जिस प्रकार से अखिलेश यादव और उनके पिता मुलायम सिंह यादव के बीच पार्टी को लेकर लड़ाई शुरू हुई और उसके बाद दोनों खेमे के लोग आमने सामने थे, कुछ इसी प्रकार से फिलहाल बिहार की राजनीति भी चल रही है। अंतर सिर्फ इतना है कि समाजवादी पार्टी के अंदर पिता और पुत्र के बीच पार्टी पर पकड़ के लिए जोर आजमाइश हो रही थी, तो वहीं बिहार में चाचा और भतीजे के बीच पार्टी की कमान को लेकर जंग छिड़ी हुई है। आज चिराग पासवान की तरफ से लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को एक पत्र लिखा गया जिसमें उन्होंने अपने चाचा पशुपति पारस को लोजपा के संसदीय दल का नेता नियुक्त किए जाने का विरोध किया है। इसी बीच प्रिंस राज के ऊपर यौन शोषण का मामला एक बार फिर से गर्मा गया है। चिराग पासवान के द्वारा इसका जिक्र किए जाने के बाद स्वाति पटेल नाम की लड़की का भी जिक्र तेज हो गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि कानून के मुताबिक पार्टी की कमान किसके हाथ में रहेगी? क्या चिराग पासवान पार्टी के अध्यक्ष बने रहेंगे या फिर पशुपति पारस की पकड़ पार्टी पर मजबूत होगी? इस पर हम आगे बातचीत करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता दर्शन का विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। राजनीति में राजनीति घरानों के अंदर पार्टी पर कब्जे को लेकर तमाम झगड़े होते रहे हैं और फिलहाल बिहार और लोक जनशक्ति पार्टी के अंदर अपने इस अंदरूनी कलह की वजह से पूरी की पूरी पार्टी जूझ रही है। कुछ महीने पहले लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान का निधन हुआ, जिसके बाद चिराग पासवान ने पार्टी की कमान संभाली, लेकिन कुछ महीने में ही उनके चाचा पशुपति पारस पार्टी के 4 सांसदों के साथ इनके सामने डटकर खड़े हो गए। पशुपति पारस की तरफ से लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा गया और फिर उनसे मिलकर उन्होंने अपना दावा ठोका, जिसके बाद से लोकसभा स्पीकर ने उन्हें लोकसभा में लोजपा का नेता घोषित कर दिया। इससे पहले लोकसभा में लोजपा दल के नेता चिराग पासवान नियुक्त किए गए थे। पशुपति पारस के साथ पार्टी के अन्य 4 सांसद भी हैं और इस प्रकार से पशुपति पारस की अगुवाई में चिराग पासवान को लोजपा के अध्यक्ष पद से हटाकर सूरजभान सिंह को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं जब यह खबर सामने आई तो चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति पारस सहित पार्टी के 5 सांसदों को पार्टी से बर्खास्त कर दिया। सांसदों को पार्टी से बर्खास्त किए जाने के बाद चिराग पासवान ने लोकसभा स्पीकर के पास एक पत्र लिखा है और उन्होंने मांग की है कि लोकसभा में लोजपा का नेता कौन होगा, इस पर जो फैसला लिया गया है उसकी समीक्षा की जाए। चिराग पासवान ने पत्र लिख कहा है कि संसदीय दल का नेता पशुपति पारस को घोषित किया जाना लोक जनशक्ति पार्टी के संविधान के खिलाफ है। चिराग पासवान ने मांग की है कि उन्हें फिर से संसदीय दल का नेता घोषित किया जाए। इधर बिहार की राजधानी पटना में चिराग पासवान के समर्थक पशुपति पारस का विरोध कर रहे हैं तो दूसरी तरफ पशुपति पारस के समर्थक जश्न मना रहे हैं। कहा जा रहा है कि आने वाले 2 से 3 दिन में पार्टी का परमानेंट अध्यक्ष कौन होगा, इस बात पर फैसला लिया जाएगा, लेकिन उससे पहले पार्टी की लड़ाई चुनाव आयोग और अदालत के बीच पहुंचने की पूरी उम्मीद है। चिराग पासवान के मुताबिक पार्टी संविधान के अनुसार कोई भी सांसद इस प्रकार से लोक जनशक्ति पार्टी की कमान को नहीं संभाल सकता है। वहीं दूसरी तरफ पार्टी के सांसदों ने बहुमत के साथ अपना नेता पशुपति पारस को चुन लिया है, जिसके बाद से अब यह लड़ाई अदालत के दरवाजे तक पहुंचनी लगभग तय मानी जा रही है। ऐसे मामलों की जानकारी रखने वाले विशेषज्ञों का मानना है कि भले ही चिराग पासवान ने अपनी तरफ से पार्टी के सांसदों को निष्कासित कर दिया है, लेकिन अभी भी वे सांसद लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद के तौर पर ही सदन में रह सकते हैं। सबसे जरूरी है कि इस समय पार्टी का नियंत्रण किसके पास है, यह साफ नहीं है, और ऐसी स्थिति में पार्टी का नियंत्रण किसके पास होना चाहिए, इस बात का फैसला कराने के लिए अदालत का सहारा लेना पड़ सकता है। अदालत की तरफ से इस पर फैसला लिया जाएगा और चुनाव आयोग की तरफ से यह फैसला दिया जा सकता है कि आखिर पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है उसका उपयोग कौन सा खेमा कर सकेगा। ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग की तरफ से दूसरे खेमे को भी एक चुनाव चिन्ह आवंटित किया जा सकता है। हालांकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि किसी भी पार्टी का संविधान क्या है। हर पार्टी का अपना अलग अलग संविधान होता है और उसी संविधान के मुताबिक जो नियम तय किए गए होते हैं उसी के अनुसार फैसला लिया जाता है कि पार्टी की कमान किसके हाथ में रहेगी। अब कार्यकारी अध्यक्ष सूरजभान सिंह के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि वह पार्टी में अध्यक्ष पद का चुनाव कराएं, लेकिन चिराग खेमे का मानना है कि वे सभी सांसद निष्कासित किए जा चुके हैं। अब आगे क्या कुछ होगा, इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा और आगे अलग वक्ता है कि अदालत और चुनाव आयोग की तरफ से इसमें हस्तक्षेप किया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे जो कुछ नई जानकारी आएगी उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप वीडियो को शेयर कीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर मुझे अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं पीयूष चौरसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।